हाय फ्रेंड नमस्ते, मैं तो अशोक राज। आज हमारा टॉपिक क्या है, जो टू वे वाल्व मतलब क्या है, जो थ्री वे वाल्व मतलब क्या है, जो एचवीएसी सिस्टम में हम लोग को क्यों वो थ्री वे वाल्व एंड टू वे वाल्व को हम लोग को क्यों यूज करना है, उसका बारे में आज ये वीडियो में हम लोग को देखने के लिए जा रहा हूँ। जो टू वे वाल्व मतलब क्या है, जो टू वे वाल्व मतलब क्या है, उसमें टू ओपनिंग रहता है। ठीक है, टू वे वाल्व मतलब क्या है, उसमें टू ओपनिंग रहता है। एक क्या है इनलेट, और एक क्या है आउटलेट। एंड थ्री वे वाल्व मतलब क्या है, उसमें तीन ओपनिंग रहता है, एक इनलेट और दो आउटलेट। अभी कोई भी एचवीएसी सिस्टम आप रहने से, जो अभी एक रूम है, जो एक रूम को जो कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को दो चीज हम लोग को बराबर जो मेंटेन करना चाहिए। एक क्या है उसका वाटर फ्लो, मतलब अभी मान लीजिए आपका पास एक एएचयू रहेगा बोल के मान लीजिए। अभी एएचयू से जो आपका जो रूम को जो दरवाजा, मतलब एक रूम का जो टेम्परेचर है ना, जो टेम्परेचर को जो मेंटेन करने के लिए आपको क्या क्या कंट्रोल करना चाहिए, वाटर फ्लो को कंट्रोल करना चाहिए एक, और क्या है, और दूसरा क्या है उसमें जो एयर फ्लो को जो कंट्रोल करना चाहिए। अभी एयर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए अगर एक दूसरा सिस्टम है, लेकिन जो वाटर फ्लो को जो कंट्रोल करने के लिए वॉल्व, मतलब क्या है टू वे वॉल्व विद एक्चुएटर, और नहीं तो थ्री वे वॉल्व विद एक्चुएटर रहता है, मार्केट भेज रहता है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा समझ हो रहा है हम लोग को क्या डिस्कस करने के लिए आ रहा हूं बोल के। ठीक है, अभी एक सिस्टम से जो टू वे वॉल्व क्यों लगाना है, जो टू वे वॉल्व लगाने से उसमें क्या हो जाता है, अगर थ्री वे टू वे वॉल्व का जो बदले में हम लोग को थ्री वे वॉल्व लगाने से उसमें क्या हो जाता है, वो पूरा हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसका पहले अभी तक मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिए, जो उसका बाजू में एक बेल बटन भी होता है उसको भी दबा दीजिए। अगर दबाने से हम लोग को कोई भी एक वीडियो डालने से आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अभी अंदर चलेंगे। अभी मान लीजिए एक तो ये तो एक एचवीएसी सिस्टम का एक बैक डायग्राम है। ठीक है, अभी मान लीजिए इधर में देखो चिलर, एक ही चिलर में तो एग्जाम्पल के लिए ले लिया, लेकिन कोई भी अब बड़ा सिस्टम रहने से चार चिलर पांच चिलर ऐसा रहेगा। अगर ये जो दो प्राइमरी पंप एग्जाम्पल के लिए लिया था, लेकिन वो जो सिस्टम अब बड़ा सिस्टम रहने से पांच छह सात आठ प्राइमरी पंप ऐसा रहेगा, जो सेकेंडरी पंप भी ऐसा रहेगा। अभी देखो मैं एक ही चिल्लर जो एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ये चिल्लर है ना, ये चिल्लर 500 जीपीएम से 500 जीपीएम हम लोग को जो उसको फ्लो देते रहना है, मतलब अगर उसमें जो अभी हम लोग को जो हीट वाटर को जो हम लोग इधर में इनपुट देने से जो आउटपुट जो आने के लिए हम लोग को बराबर आने के लिए एफिशिएंसी चिल्लर का एफिशिएंसी मीटर करने के लिए हम लोग को 500 जीपीएम जो बराबर देना चाहिए। अभी देखो जो प्राइमरी पंप है, अभी एक प्राइमरी पंप चलने से आपको एक क्या है 500 जीपीएम आपको आ जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक ही पंप को, एक ही चिल्लर रहता है, इसलिए एक ही पंप में चालू करके इसको जीपीएम को जो मेंटेन करता हूँ। ठीक है, एक ही पंप 500 जीपीएम देगा ऐसा बोल के मान लीजिए। जो सेकेंडरी पंप है ना, जो सेकेंडरी पंप में सेकेंडरी पंप से आपका जो कूलिंग यूनिट को जाएगा, मैं एग्जाम्पल के लिए एक ही एएचयू में लिया था, लेकिन कोई भी सिस्टम आप कर लेने से ज्यादा एएचयू सीएचयू फैन का यूनिट ज्यादा जो कनेक्ट किया होगा, लेकिन एग्जाम्पल के लिए एक ही एएचयू हम लोग को लिया है। ठीक है, ये प्राइमरी पंप है ना, जो कॉन्स्टेंट फ्लो, मतलब ये तो क्या है कॉन्स्टेंट फ्लो, जो चिल्लर को जो कॉन्स्टेंट फ्लो देता है, लेकिन जो सेकेंडरी पंप है ना, ये जो वेरिएबल फ्लो, ये क्या है वेरिएबल फ्लो। ये क्यों वेरिएबल फ्लो, मतलब इसका जो लोड का आपका जो कूलिंग यूनिट रहता है ना, जो कूलिंग यूनिट का जो डिमांड का हिसाब से जो क्या है पंप चालू रहता है। ठीक है, अभी मान लीजिए अभी एक इधर का एक रूम है। ठीक है, ये रूम में हम लोग को 25 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। अभी इसमें है देखो, ये जो ये इशू में बोला ना, ये क्या है जो प्री फिल्टर है, ये क्या है जो कॉइल एवेपोरेटर कॉइल है, इसमें अंदर में जो रहता है जो एसी फैन है। ठीक है, अभी देखो इधर का जो सप्लाई वाटर, मतलब सेकेंडरी से जो जाएगा जो वाटर है ना, जो इधर में चला जाता है, ये तो बटरफ्लाई वाल्व है, ये स्ट्रेनर है, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा, फिर इधर जाएगा। ठीक है, पहले थ्री वे मतलब टू वे वाल्व का बारे में जो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इधर में एक बटरफ्लाई वाल्व, इधर भी एक बटरफ्लाई, ये तो टू वे वाल्व विद एक्चुएटर। ठीक है, इधर जो ऊपर है जो रहता है ये जो बाईपास वाल्व बोल के हम लोग को बोलता हूँ, फिर ये तो क्या ये बैलेंसिंग वाल्व है, ये तो बटरफ्लाई वाल्व, फिर इधर का जो चिल्ड वाटर, मतलब जो एएचयू का जो रिटर्न वाटर है ना, फिर ऐसा प्राइमरी पंप को जाएगा, चिल्डर को आएगा, ऐसा वो सर्किट ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, अभी मान लीजिए इधर में जो वाटर फ्लो, मतलब इधर में जो 25 डिग्री से आने से वो क्या हो जाता है, इधर का एक्चुएटर ना पूरा जो क्लोज हो जाता है, मतलब 25 डिग्री जो रूम में जो मेंटेन होने से
ये इश्यू रेस्पेक्टिव ये इश्यू का जो वाटर फ्लो को जो पूरा क्लोज करता है। अगर इसमें 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है, इसमें क्या है 28 डिग्री सेल्सियस हो रहा है बोल के रहने से ये पूरा ओपन 100% इसमें पूरा खोलते रहेगा, ठीक है। अगर इसको 25 डिग्री से आने से वो पूरा बंद रहेगा, ठीक है। ऐसा पूरा बंद रहने से क्या हो जाता है, अभी मैं जी इधर में पूरा बंद है, अभी क्या होगा, जो सेकेंडरी पंप से जो ऐसा जो वाटर आएगा फिर वापस यहां से इधर आने के लिए उसका रास्ता नहीं है। ऐसा इधर में जो वाटर जो नहीं आने से उसमें क्या हो जाएगा, चिल्लर को कोई भी टाइम में हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को मिनिमम फ्लो जो देते रहना चाहिए। अगर आप जो फ्लो नहीं देने से क्या हो जाएगा, एंटी फ्रीज हो जाएगा आपका चिल्लर में, एंटी फ्रीज का अलार्म आ जाएगा। एंटी फ्रीज मतलब क्या है, वो पूरा जो आइस फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए टू वे वाल्व आप यूज करने से उसको, अगर सेकेंडरी पंप आपका जो कोई भी लोड नहीं है, मतलब सेकेंडरी साइड से कोई भी लोड नहीं है, लोड नहीं है तो सेकेंडरी पंप बिल्कुल नहीं चालू होगा, आपका जो एक्चुएटर पूरा बंद हो जाएगा, फिर इधर का जो चिल्लर का जो वाटर आएगा वो आने के लिए रास्ता नहीं है। इसलिए टू वे वाल्व यूज करने से इधर में जो सिस्टम में जो डीकपलर लाइन रहेगा, डीकपलर लाइन मतलब क्या है, जो रिटर्न वाटर सप्लाई चिल्ड वाटर का रिटर्न लाइन, फिर जो सप्लाई लाइन का जो बीच में ये दोनों का जो इंटरकनेक्शन रहता है ना, वही डीकपलर लाइन और नहीं तो बाईपास लाइन बोल के आदमी लोग को बोलता है, ठीक है। ये तो मॉडलेटिंग वाल्व है, मतलब जो रिटर्न लाइन में जो प्रेशर है ना, जो फ्लो जीपीएम जो कम होने से ये पूरा खोलेगा, अगर इसमें जो जीपीएम रहने से ये जो बंद होगा, जो बंद होने से इधर में जो रास्ता नहीं है इधर यही रास्ता भी हो जाएगा। अगर खोलने से क्या हो जाएगा, इधर में जो सेकेंडरी पंप एक ही सेकेंडरी पंप चालू होगा, अगर फिर इधर में जो ऐसा आएगा फिर प्राइमरी पंप एक चालू होगा, ऐसा इधर सर्क्यूट चलते रहेगा। इसलिए जो एंटी फ्रीज का अलार्म चिल्लर से नहीं आएगा, वो चिल्लर अच्छा से चलते रहेगा, समझ गया ना। जो टू वे वाल्व आप जो यूज कर, आपको कोई भी आपका सिस्टम में जो टू वे वाल्व रहने से वो आपका जो हाईर एंड में कैसे भी जो डीकपलर लाइन रहेगा नहीं तो बाईपास लाइन रहेगा। अगर टू वे वाल्व नहीं है आपका सिस्टम में, थ्री वे वाल्व बोल के रहेगा बोल के मान लीजिए, अगर इधर में थ्री वे वाल्व है, ओके क्या हो जाएगा, थ्री वे वाल्व रहने से क्या फर्क होता है, आपका सिस्टम में डीकपलर लाइन नहीं रहेगा, पहले इसमें डीकपलर लाइन नहीं रहेगा, फिर इधर का जो पंप है ना प्राइमरी पंप भी नहीं रहेगा, थ्री वे वाल्व का सिस्टम रहने से नहीं रहेगा, फिर क्या है सेकेंडरी पंप भी नहीं रहेगा। सेकेंडरी पंप का बदली में क्या रहता है, इसको हम लोग क्या बोलता हूँ, सर्कुलेशन पंप, सर्कुलेशन पंप बोल के हम लोग को बोलता हूँ, ठीक है। जो प्राइमरी पंप सेकेंडरी पंप नहीं रहेगा, डीकपलर लाइन रहेगा, उसका बाद में सर्कुलेशन पंप रहेगा, जो यही सर्कुलेशन पंप आपको लोड भी जाएगा, फिर लोड से जो चिल्लर का भी जो कितना जो जीपीएम मेंटेन करना वही जीपीएम में यही सर्कुलेशन पंप ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। अभी ऐसा सिस्टम है जो कैसे जो चिल्लर एंटी फ्रीज होने के लिए जो कैसे ये हेल्प करता है बोल के अब देखो। अभी क्या है, जो चिल्लर जो ऐसा इधर जाएगा, सप्लाई आएगा, फिर ऐसा चलते रहेगा। अभी मान लीजिए टेम्परेचर मीट हो गया, मीट होने से क्या हो जाएगा, इधर का जो वाल्व है ना पूरा क्लोज हो जाएगा, लेकिन इधर का वाल्व है ना, इधर का वाल्व इधर क्लोज हो जाएगा, फिर इधर से ऐसा इधर में इधर खोलेगा, इधर और एक रास्ता है, इधर में ऐसा खोल जाएगा, फिर इधर का जो सप्लाई वाटर जो आएगा ना फिर इधर आएगा, फिर यही से इधर जाएगा, फिर आपका रिटर्न लाइन से ऐसे चिल्लर को आते रहेगा। अगर थ्री वाल्व जो आपको रहने से आपका सिस्टम में प्राइमरी पंप सेकेंडरी पंप डीकपलर नहीं रहेगा, डीकपलर का बदले में जो अवर एक जो रास्ता है ना थ्री वाल्व पे, वही रास्ता पे वो चिल्लर को जो मिनिमम जीपीएम जो देने के लिए जो मदद करेगा। लेकिन आप मेरे से पूछने से टू वे वाल्व आपको जो अच्छा है, थ्री वे वाल्व अच्छा है बोल के पूछने से मैं क्या बता देगा, टू वे वाल्व बहुत अच्छा बोल के मैं बताता हूँ। क्यों बोलने से, अभी थ्री वे वाल्व में देखो कभी भी वो पंप चलते रहना चाहिए, क्यों बोलने से थ्री वे वाल्व है ना, इधर मीट इधर पूरा भी आपको मीट होने से भी क्या हो जाता है, पंप चलते रहेगा, फिर इधर में एनर्जी सेविंग नहीं मिलेगा। लेकिन टू वे वाल्व में ऐसा नहीं है, टू वे वाल्व आपका जो कूलिंग इधर मीट होने से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद होने के बाद जो मिनिमम फ्लो है, मिनिमम पंप मान लीजिए 10 पंप, 10 पंप रहता है, 10 पंप का बदले में एक ही पंप चलेगा, इधर प्राइमरी पंप सेकेंडरी पंप में, टू वाल्व रहने से प्राइमरी में एक सेकेंडरी में एक ऐसा चलते रहेगा, लेकिन जो सर्कुलेशन पंप है ऐसा नहीं है, पूरा चलते रहेगा। इसलिए कोई भी सिस्टम, अभी आप पुराना वाला सिस्टम 10 साल का पहले आप देखने से आदमी लोगों सभी आदमी लोगों को थ्री वे वाल्व आपका सिस्टम में लगाया होगा। अगर अभी आपको जो रिट्रोफिट करने से आपको क्या करना है,
खाली जो थ्री वेल का बदले में टू वेल नहीं लगाना, उसका सिस्टम भी आप तो थोड़ा चेंज करना, मतलब प्राइमरी पंप सेकेंडरी पंप डी कपल लाइन ऐसा कुछ ऐड करना, ठीक है। बस उतना ही, आज का वीडियो इतना ही, जो अभी आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा, मतलब टू वे वाला मतलब क्या, थ्री वे वाला मतलब क्या, उसका सिस्टम कैसे रहेगा, वो सिस्टम को बराबर आप नहीं लगाने से चिल्लर में एंटी फ्रीज का जो अलार्म आने के लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए जो बराबर जो टू वे वाला थ्री वे वाला को बराबर सेलेक्ट करना है, उस सिस्टम भी ऐसे रहना है, ठीक है। अगर आपका ये टू वे वाला थ्री वे वाला का बारे में कुछ आपको डाउट रहने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगने से लाइक कीजिए, बराबर लाइक कीजिए, आपको फ्रेंड लोग को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय।